हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 7 मेटल मशीनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मेटल मशीनिंग के अंदर हम लोग कौन कौन से कंटेंट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेटल मशीनिंग के अंदर मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद कौन कौन से टाइप के कटिंग ऑपरेशंस होते हैं जैसे ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग, उसके बाद हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे और उसके पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग टूल सिग्नेचर के बारे में पढ़ेंगे, दो प्रकार के होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन और ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। उसके बाद मेटल मशीनिंग में कितने प्रकार के चिप्स निकलते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चिप थिकनेस रेशियो पढ़ेंगे। देन आफ्टर वी विल स्टडी वेलोसिटी रिलेशनशिप इन ऑर्थोगोनल कटिंग, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं हमारे चिप के ऊपर और हमारे टूल के ऊपर उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग मर्चेंट सर्किल और मर्चेंट डायग्राम भी बोलते हैं। कितना हीट जनरेट होता है जब हम मशीनिंग करते हैं, टूल वियर मैकेनिज्म, उसके बाद हम लोग टूल लाइफ पढ़ेंगे कि टूल की लाइफ कितनी होती है। देन टूल के आइडियल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसके बाद कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं हमारे टूल के। देन वी विल स्टडी टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड्स, उसके बाद कुछ बेसिक मशीन टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रिंसिपल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग शेपर मशीन के बारे में पढ़ेंगे और किस मैकेनिज्म के द्वारा शेपर मशीन को हम लोग यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्लेनिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ट्विस्ट ड्रिल में और कौन कौन से ऑपरेशंस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम लोग ड्रिलिंग पर्टिकुलर ऑपरेशन में परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मेटल मशीनिंग।